क्या बदला? क्या बदला? प्लेटफॉर्म बदला। कीमत आपकी मेहनत की नहीं, कीमत किस प्लेटफॉर्म पे मेहनत हो रही है उसकी। आपको मालूम है कभी युवराज ने, महेंद्र सिंह धोनी ने भी गलियों में मैच खेले थे 11 रुपए के मैच। क्रिकेट ही खेला था और 11 रुपए का मैच खेला था धोनी ने भी, कभी पूछ लेना जाकर। वही धोनी, वही क्रिकेट, वही चौके छक्के, गलियों में खेलता था 11 रुपए मिलते थे, इंडियन टीम में खेलने लगा 1100 करोड़ का हो गया। क्या बदला? क्या बदला? क्या बदला? ना शकल बदली, ना सूरत बदली, क्या बदला? आपने क्या बदला? आपने भी क्या बदला? प्लेटफॉर्म बदला। जहां दुनिया आपको खोटा सिक्का समझती थी, अब वही दुनिया आने वाले समय में आपको सलाम करेगी। क्योंकि क्या बदल लिया आपने? चेंज योर प्लेटफॉर्म। आपने प्लेटफॉर्म बदला। तो प्लेटफॉर्म हमारी लाइफ में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ना कि हमारी हिम्मत, ना कि हमारी मेहनत, ना कि हमारा जज्बा, राइट? तो प्लेटफॉर्म की जब इंपोर्टेंस आ जाती है तो इंसान ना हारता है, ना रुकता है, ना थकता है, ना नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रायोरिटी अपनी लाइफ में प्लेटफॉर्म को बना लेता है। अब हम लोग थे, 3-3 बार फेल हुए, 4-4 बार फेल हुए, लेकिन हमने बिजनेस कभी नहीं छोड़ा। हम इस बिजनेस से कभी दूर नहीं गए, क्योंकि हमारी एजुकेशन इतनी नहीं थी कि कोई हमें बहुत बड़ी जगह बैठा देगा, बहुत ओहदा दे देगा, पद दे देगा। हम हारते भी रहे, गिरते भी रहे, उठते भी रहे, थकते भी रहे, जीतते भी रहे, लेकिन हमने प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि हम इसकी इंपोर्टेंस को अपने यहां बैठा चुके हैं, बैठा चुके हैं कि अगर हमें कोई बड़ा बना सकता है तो ये प्लेटफॉर्म ही बड़ा बना सकता है। तो टिकने के लिए तैयार हो? ये AWPL लाइट बनाओगे, फिर जाओगे, फिर नाकामयाब लोगों की भीड़ में गुम हो जाओगे, ऐसा करोगे? वैसे ये टीम ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि मैं फिर कहता हूं, ये टीम नहीं, एटम बम। एटम कौटिल्य क्रूज करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? एक जैसलमेर का मैच था, क्रूज का मैच है, ये मैच है यार, हर दिन मैच खेलना पड़ता है, हर दिन उतनी हिम्मत, उतनी शिद्दत से खेलना पड़ता है। एक मैच खेल के घर बैठने से कभी भी रिवार्ड नहीं मिलता। और आज मैं आप लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आज आपने एक आम आदमी की सोच को हर आदमी के दिमाग में डाल दिया है, हर हिंदुस्तानी के दिमाग में डाल दिया। आज 60 साल पहले जब मैं आया था, यही सोच के आया था कि एक कंपनी को ब्रांड बनाएंगे, घर घर में ले जाएंगे, सबके दिमाग में डालेंगे, डायरेक्ट सेलिंग को एक नई पहचान देंगे, डायरेक्ट सेलिंग को एक नया सम्मान दिलाएंगे। वो काम आप लोगों की प्यार से, मोहब्बत से और मेहनत से आज संभव हो चुका है। आज आपने AWPL को कंपनी नहीं, ब्रांड बना दिया, ब्रांड ब्रांड बना दिया है। हर आदमी सोच रहा है, हर कंपनी मालिक सोच रहा है, हर डायरेक्ट सेलर सोच रहा है, यार ये काम कैसे करते हैं, ये लोग इतना स्पीड से कैसे आगे बढ़ रहे हैं। 3-3, 4-4 हजार लोग तो इनके विनर बन के चले जाते हैं, 3-3, 4-4 हजार लोग। मेरे से भी पूछते हैं कि संजीव सर आप क्या करते हो, मैंने कहा कुछ नहीं करता, सिर्फ अपने लोगों को प्यार बांटता हूं, अपने लोगों के लिए खड़ा रहता हूं, अपने लोगों के लिए जीता हूं, और कुछ भी कर गुजरता हूं और कुछ भी अच्छा करने का प्रयास और प्रयत्न जारी रखता हूं। आज सबसे पहले एक आप लोगों की मीटिंग के माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान के किसानों को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि थैंक यू हिंदुस्तान के किसानों, आज अपना ब्रांड प्रोडक्ट, पहले डेंटोडॉक था, फिर तुलसी थी, आज तीसरे नंबर पर अगर कोई प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है तो हमारा भूमिटा बिक रहा है। तो उन किसानों से हाथ जोड़ के मैं उन्हें नमन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने, भारत देश के किसानों ने हमारे प्रोडक्ट पे भरोसा किया और आपकी फसलें भी
लहलहा रही होंगी, ये मेरा विश्वास है। तो थैंक यू सो मच ऑल फार्मर्स ऑफ इंडिया, थैंक यू सो मच। क्योंकि जब मैं प्रोडक्ट नहीं बना रहा था, मैं किसान के लिए प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा जब तक उसमें दम नहीं लाऊंगा। अब लेके आया तो किसानों ने हाथों हाथ लिया, आज तीसरे नंबर पे आ गया प्रोडक्ट। तो ऐसे ही आगे आगे भी जिंदगी में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। नेचर फिट जो किट आई है उसके भी एक्सट्रीम रिजल्ट मैं सुन रहा हूँ, एक एक महीने में 8-8 किलो 9-9 किलो गायब हो रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि दुनिया में, पूरी दुनिया में बताते हैं कि ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जैसा AWPL का नेचर फिट प्रोडक्ट है। क्योंकि दोस्तों हम लोग प्रोडक्ट से बड़े बन सकते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी से आगे बढ़ सकते हैं, लोगों को बेवकूफ बना के आगे नहीं बढ़ सकते, लोगों को पैसों के सपने दिखाकर, गाड़ियों के सपने दिखाकर आगे नहीं बढ़ सकते, क्वालिटी प्रोडक्ट देके आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमें लोगों के दिलों में राज करना है या पूरी दुनिया पे राज करना है तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। क्योंकि प्लान तो कोई भी बना देगा, और बना भी रहे हमारे जैसे आजकल बहुत प्लान चल, अच्छा आजकल प्रोडक्ट भी छाप देते हमारे जैसे, तो ये सब कुछ कर लेंगे लेकिन क्वालिटी कहां से लाएंगे? क्योंकि क्वालिटी देने के लिए दिमाग नहीं दिल चाहिए होता है। अच्छा प्रोडक्ट बनाते तो अच्छे पैसे खर्च होते हैं। ऐसे भी लोग कह रहे हैं अब ये तो अब AWPL लाइट बना रहे हैं, आखिर आप बना कैसे लेते हो? मैंने कहा इसमें कौन सी गणित और साइंस से भी नोट खर्च करने पड़ते हैं, बन जाती है। बोले AWPL वाले इतने सेलिब्रिटी बुला बुला के नाइट बना रहे हैं, कैसे बना लेते रहे? फिर वही बात यार, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। सब जगह लालच छोड़ना पड़ता है मेरे दोस्त। अगर अपने लोगों को बड़ा बनाना है तो एक ही काम करना पड़ेगा, कम खाना पड़ेगा और कम खाना पड़ेगा। I'm right? और कोई भी संस्था बड़ी तब बन सकती है जहां लालच पे फोकस ना हो। लालच पे फोकस होगा संस्था कभी बड़ी नहीं बन सकती, और अगर इंसानियत पे फोकस होगा गारंटेड वो संस्था दुनिया की नंबर वन बनेगी। वो कोशिश रहती है और वो आपकी वजह से रहती है। ऐसा है, देखो मैं भी पैसे कमाने आया था, मैं आपको सही बात बता रहा हूं, कोई इसमें झूठ फरेब नहीं है। मैं भी पैसे ही कमाने आया था, मैंने भी सोचा बढ़िया पैसे कमाएंगे, लेकिन जब मैं आया और लोगों ने हाथों हाथ में मुझे उठाया और इतना प्यार दिया, मैं कह सकता हूं कि इतना प्यार पाना इस जीवन में तो क्या हजारों जीवन में पॉसिबल नहीं था। उस प्यार के सामने दौलत की ऐसी की तैसी। इतने लोग कमा ही लेते हैं कि यार ठीक ठाक जीवन जी लेते हैं आप लोगों के प्यार से, और यही आपका प्यार है, यही आपका समर्पण है कि 24/7 मैं एक ही बात सोचता हूं, मेरे फाइटर को बड़ा कैसे बनाऊं, मेरे फाइटर को सुपरस्टार कैसे बनाऊं, हर घर में पैसा कैसे पहुंचाऊं, हर घर में करोड़पति कैसे पैदा करूं 24 घंटे। और वो फाइटर से लेकर ब्रांड एम्बेसडर के हर लीडर के बारे में सोचकर मैं कोई कदम उठाता हूं, बिना सोचे कोई कदम नहीं उठाता। और ये जो जितने भी फैसले मैं करता हूं, जो आपको सुनने को मिलते होंगे कठोर निर्णय, वो कठोर निर्णय तभी करे जा सकते हैं जब इंसान किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता। और कॉम्प्रोमाइज करने वाला बंदा कभी भी अपने लोगों को बड़ा नहीं बना सकता, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज वही करेगा, गलत का साथ वही देगा जो साला झूठा होगा और लालची होगा। वही करेगा कॉम्प्रोमाइज। और अगर कोई व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा तो इसका मतलब उसने लालच को और झूठ को ठोकर मार रखी है। क्योंकि मेरा लालच सिर्फ इतना सा है कि मैं हर दिन करोड़पति पैदा करूं, हर दिन करोड़पति पैदा करूं। और दुनिया में हर जगह, हर देश, हर घर, हर इंसान को AWPL के प्रोडक्ट कैसे भी करके पहुंचा दूं, कैसे भी कर हर आदमी, मेरा दिल करता है एक उद्योग, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, याद रखना एक दिन ये जो डेंटोडॉक है ना, डेंटोडॉक पेस्ट बता रहा हूं मैं आपको, एक दिन पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बिकने वाला पेस्ट बनेगा। याद रखना मेरी बात, स्पीच रिकॉर्ड कर लेना बेशक, क्योंकि मैं इसके रिस्पॉन्स देख रहा हूं। आज साहब कोई नेताजी हो, कोई मंत्री जी हो, कोई संतरी जी हो, कोई कुछ भी हो, जिसको मैंने पेस्ट दे दिया बोला भाई ऐसा पेस्ट जिंदगी में नहीं करा। जिसको भी
चाहे वो किसी भी ओहदे पे भारत में बैठा है, और मैं गिफ्ट देके आता हूं पहले, क्योंकि तो आदत लगानी पड़ती है ना, उसके बाद बिकना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आज की नाइट आप लोग एंजॉय कीजिए, बात करने के लिए तो समय समय पर मुलाकात होती रहती है, और मैं चाहूंगा कि अब के बाद मेरे जाने के बाद थोड़ा डीजे पर, अभी तक आप लोग सिर्फ नाचने वाले को देख रहे हो, ये नाइट मैंने ना सब दिखाने के लिए नहीं, नाचने के लिए बनाई है। मेरे जाने के बाद एक घंटे तक अविनाश जी कहाँ हैं, नॉन स्टॉप डीजे बजेगा एक घंटे तक, हर फाइटर पसीना पसीना हो जाएगा, पसीना पसीना हर एक फाइटर नाचेगा। अरे चार महीने मेहनत की, आज की रात जी के जाना। तैयार है? तैयार है? और आज मैं कहता हूं अखंड भारत, अखंड भारत का सपना दोबारा पूरा नहीं हो सकता, दोबारा बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, ईरान, इराक हमारे देश में समा नहीं सकते, अखंड भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता, पर अखंड भारत में AWPL जाने का सपना इस साल पूरा होना शुरू हो जाएगा। मेरा आपसे प्रॉमिस है, अखंड भारत दोबारा नहीं बन सकता, पर अखंड भारत में AWPL का फाइटर घर घर जाकर अपनी पहचान, हिंदुस्तान की पहचान दोबारा बना सकता है, और वो हम बनाएंगे। अगले साल कंपनी नेपाल और बांग्लादेश में झंडा गाड़ देगी, झंडा गाड़ देगी, और सुनो वहां का पैसा लगाएगा, यहां का पैसा लगाएगा, वहां की टीम अलग पैसा कमा के देगी, यहां की अलग देगी, दोनों पैसे मिक्स नहीं होते हैं। अगर 10 कंट्री में कंपनी जाएगी तो 10 कंपनी में आप ब्रांड एम्बेसडर बनोगे, जो 100 करोड़ एक ब्रांड एम्बेसडर पे इंडिया में कमाओगे तो 100 करोड़ बांग्लादेश से भी कमाओगे, नेपाल से भी कमाओगे। और मैं आज तक कहता था अरबपति पैदा करेंगे, अब यार 9वें साल में आ गए, अब खरबपति पैदा करेंगे, अब खरबपति पैदा करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में अगर 1000 करोड़ किसी कंपनी के लीडर कमाएंगे सबसे पहले तो AWPL वेलनेस के कमाएंगे, SLPS वेलनेस के लीडर 1000 करोड़ कमाएंगे, याद रखना। और जो भगवान से आज तक मांगा है उस परम पिता परमात्मा महाकाल ने दिया है। हर 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 क्रूस में मिलेंगे, क्रूस में मिलेंगे, क्रूस में मिलेंगे, जीत के मिलेंगे, जीतने की आदत तो नहीं छोड़ेंगे, आदत तो नहीं छोड़ेंगे, हर हर टारगेट जीतेंगे, हर टारगेट जीतेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, क्रूज में मिलते हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड।